नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर श्रीनगर से। श्रीनगर के पांथा चौक पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमले में एक जवान शहीद और दो घायल हैं। हमले में सीआरपीएफ के दो जवान और एक ग्रामीण घायल बताया जा रहा है। स्कूल में आतंकियों के छुपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। जवानों ने स्कूल की घेराबंदी भी कर ली है। श्रीनगर के पांथा चौक पर आतंकी हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से आतंकियों ने हमला किया है। हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। फरीदाबाद से इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। दो एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे फ्लैटों पर चला पीला पंजा। बिना सीएलयू के फैक्ट्री की जमीन पर बनाए जा रहे हैं फ्लैट। 75 से ज्यादा फ्लैटों को गिराया, 300 से ज्यादा परिवार बेघर। फरीदाबाद के दयालनगर क्षेत्र में ये तोड़फोड़ की गई है। बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अभियान चलाया। मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, दो एकड़ जमीन पर बनाए जा रहे फ्लैटों पर चला पीला पंजा। राजेंद्र धैया है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। राजेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई की गई है जिला प्रशासन की तरफ से? देखिए, यहाँ पर जो 75 से ज्यादा फ्लैट हैं उन पर नगर निगम का पीला पंजा चला है और काफी लोग यहाँ पर जो है बेघर हो गए हैं। और इसके लिए करीब 6 एससीएस अधिकारियों को यहाँ पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया गया था और आज बड़े पैमाने पर नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। राजेंद्र, यहाँ पर अनऑथराइज तरीके से जिस तरीके से जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, फ्लैट खरीदे जा रहे थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या जो फ्लैट बेचे गए थे या फिर बनाए जा रहे थे उन पर कार्रवाई हुई है? जो बना रहा था वहां पर उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि जो ये 2 एकड़ जो जमीन थी जहाँ पर ये फ्लैट बनाए हुए थे, तो इसका कोई सीएलयू पास इन्होंने नहीं कराया था, लिया नहीं था। और करीब 2014 में ये फ्लैट इन्होंने बनाकर लोगों को बेच भी दिए थे। यहाँ पर प्रशासन ने केवल तोड़फोड़ की कार्रवाई तो की है, लेकिन जो ये बिल्डर हैं इनके खिलाफ यहाँ पर कोई कार्रवाई अभी नहीं की गई है। और फिलहाल जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है, क्योंकि जो 2-3 साल पहले जो फ्लैट यहाँ पर बनाए गए और बेचे गए, उस समय प्रशासन कहाँ से उतारा और इतनी बाद में अब जाकर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है जब यहाँ लोग बस गए हैं और आज वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से बेघर यहाँ पर निगम प्रशासन द्वारा किए गए। बिल्कुल राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जब लोग बेघर हो गए हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से कुछ उनको मुआवजा देने की बात की जा रही है या फिर अब वो लोग बेघर ही रहेंगे या फिर उन आरोपी बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर निगम उनको कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन की गाढ़े कमाई की, जो खून पसीने की कमाई है, वो यहाँ लगाकर फ्लैट खरीदे थे और आज वो लोग पूरी तरह से सड़क पर नगर निगम ने खड़े कर दिए। बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दयालनगर क्षेत्र में तोड़फोड़ की है जिला प्रशासन की तरफ से। सीएलयू की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कराया गया था और कब्जे के बाद बिल्डरों ने फ्लैट बनवा दिए थे और उन फ्लैट को लोगों ने खरीदा था साल 2014 की। पूरा वाकया है। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र की शुगर मिल शाहबाद परिसर में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने से पहले सीएम खट्टर ने 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया उनमें 1,87,00,000 रुपए की विश्राम गृह में एक्सटेंशन, 85 करोड़ रुपए की शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट, 3 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ बिछाना, तकरीबन 1,00,000 से ज्यादा की लागत से शाहबाद बराड़ा रोड 4 लेन और 8,12,00,000 की लागत से बनने वाले कलसाना मोहनपुर पुल, झांसा के पास तकरीबन 1,57,00,000 की लागत से बनने वाले मारकंडा ब्रिज की आधारशिला रखी गई। साल के अंदर उन्होंने
डिप्टी टीचर जो कोर्ट के केस में फंसे हुए थे उनके सबके सेटलमेंट लाई है और द्वारा ऐसे लोगों को नौकरियां अभी हमने दी। तो शाहबाद में मनोहर सौगात 140 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। शाहबाद शुगर मिल में 60 KLPD एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक हॉकी सरफेस का शुभारंभ किया गया। किसान विश्राम गृह और VIP सूट्स कॉन्फ्रेंस हॉल, ये तमाम चीजें शामिल। शाहबाद बराड़ा काला सड़क अपग्रेड की घोषणा की गई। कलसाना से मोहनपुर सड़क पर मारकंडा नदी के ऊपर बनने वाले पुल का शिलान्यास। गांव झांसा में मरकांडा नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया गया। तो शाहबाद को मनोहर सौगात, और ये मनोहर सौगात में तमाम चीजें शामिल हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। शाहबाद में राजकीय ITI को अपग्रेड करने की घोषणा भी CM की तरफ से की गई है। बराड़ा रोड पर बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा यानी कि द्वार बनाने की घोषणा। वाल्मीकि बस्ती में एक सामुदायिक केंद्र के लिए 30 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। शांतिनगर कुरड़ी में 2 व्यायामशालाएं खोलने की घोषणा की गई। तो तमाम मनोहर सौगातें ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कहां क्या कितना कितना खर्च किया गया और कौन कौन सी घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई हैं। उधर बल्लभगढ़ ट्रेन में हत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है। चश्मदीद ने बताया कि आरोपियों ने कपड़ों को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं ट्रेन में बैठे लोगों ने भी मारने के लिए उकसाया था। हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। पूरा मामला क्या है एक रिपोर्ट देखिए। बल्लभगढ़ में दिल्ली पलवल EMU ट्रेन में हिंसक झड़प और हत्या का मामला अब कई मोड़ लेता जा रहा है। इस मामले में चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। चश्मदीद ने बताया कि ट्रेन में बैठे लोगों ने ही मारने के लिए उकसाया था, वहीं उनके कपड़ों को लेकर भी अभद्र टिप्पणियां की गई थी। सर बाजार से आ रहे थे कपड़ा लेके, तो हम बैठे थे तो सीट के ऊपर बैठे दो तीन 15 एक लड़के आए थे, वो तो उसके ऊपर लड़ाई करते हम तक कपड़ों पर मारे बहुत समस्या ना करते और क्या मारा बस फिर आगे आके निहार आज बनने लगा चप्पल मारे थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस मामले में CM खट्टर ने भी कड़ा संज्ञान लिया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। देखिए घटनाएं जो हुए हैं वो वास्तव में दुखद हैं, लेकिन इन सब घटनाओं के ऊपर हमारी जो पुलिस है वो बाकायदा उसके लिए पूरा अलर्ट है और किसी प्रकार की इस घटना को अनट्रेस नहीं जाने दिया जाएगा। जहां तक बल्लभगढ़ की घटना है उसमें हमने रात को ही एक कल्प्रिट पकड़ लिया है और 4 लोग ये थे, उनके खुलासे के बाद 3 लोगों को भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इसलिए कोई घटना होती है तो उसको कितना जल्दी हमारी पुलिस ट्रेस करती है यही एक प्रकार का विषय हमारे सामने है। घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को न हो ये हम रोकेंगे उनको, लेकिन फिर भी जो घटनाएं होती है उसको जल्दी ट्रेस करना ही हमारा काम। गुरुवार देर रात दिल्ली पलवल EMU की घटना। बल्लभगढ़ के खंडावली गांव के जुनैद, हाशिम, शाकिर और मोइन ट्रेन में सवार थे। चारों ही दिल्ली के सदर बाजार से खरीदारी करके वापस आ रहे थे। तुगलकाबाद स्टेशन पर 4 लोग ट्रेन में चढ़े और सीट को लेकर झगड़ा हुआ। मोहसिन और उसके साथियों ने जब इसका विरोध किया, युवकों ने उन पर बीफ खाने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। ट्रेन में बैठे कुछ अन्य युवक भी उनके साथ हो लिए और मारपीट करने लगे। इस दौरान 2 युवकों ने चाकू निकालकर मोहसिन, जुनैद, हासिम और मोइन पर हमला किया। इस हमले में जुनैद की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की शिकायत फरीदाबाद GRP स्टेशन में दर्ज कराई गई। मामले में 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। बल्लभगढ़ में युवकों के साथ मारपीट और हत्या मामले में अब अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोई धार्मिक कट्टरता के आरोप लगा रहा है तो कोई सीट को लेकर विवाद बता रहा है। मामले की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने 1 आरोपी की गिरफ्तारी भी की है, लेकिन 3 अन्य आरोपी की गिरफ्तारी कब होगी आने वाला वक्त ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जीएसटी और किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। अंबाला में किसानों और जीएसटी के मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा ने धरना दिया। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार किसानों का कर्ज माफ करे, साथ ही सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे उसे पूरा करे। सैलजा ने कहा कि जीएसटी का सरलीकरण हो, टैक्स भी घटाया जाए। अंबाला में हुए इस धरने में कहीं भी व्यवस्था नहीं दिखी। आलम यह रहा कि सैलजा को धरने को आगे बढ़ाने के लिए खुद माइक उठाना पड़ा और लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। धरने को संबोधित करने वाले वक्ताओं की सूची काफी लंबी थी और कुमारी सैलजा के बोलने तक पंडाल से भीड़ गायब हो गई। ना करें, और सिर्फ मैं नहीं और भी हमारे जितने नेता हैं सब अपने अपने ढंग से इस बात को उठा रहे हैं और व्यापक रूप से आज के दिन हरियाणा में ये आवाज उठ रही है। जीएसटी हम ला रहे थे लेकिन हमने कुछ बातें रखी थी जिसको सरकार ने नहीं माना। दो साल बाद जीएसटी लागू हुआ है लेकिन उसको लागू करते करते ये इन्होंने आनन फानन में एक टाइमलाइन दे दिया कि हमने लागू करना ही करना है। अब जगह जगह हम जिससे भी बात करें, कल कपड़ा मार्केट में भी हम बात कर रहे थे, साइंटिफिक इंडस्ट्री की बात है, अगर हम बिल्कुल छोटी बात लें, देश भर की नहीं हम केवल यहाँ की भी अगर बात लें, तो इनके इतने ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेट हो चुका है कि आगे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बुलेटिन में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी योजनाओं में किस तरह से घोटाला हो रहा है इसका खुलासा महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ में हुआ है। यहां पर गरीब योजनाओं की जो गरीबों की योजनाएं हैं उन पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार नई नई स्कीम्स लाकर गरीबों के लिए सुधार की कोशिश कर रही है लेकिन निचले स्तर पर जाकर इन योजनाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। मामला महेंद्रगढ़ का है जहां सरकार की तरफ से आवास योजना के पात्र लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं लेकिन यहां पर घोटाला हो रहा है। निःशुल्क मिलने वाले फॉर्म के 10 से लेकर 20 रुपए तक की फीस वसूली जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, अच्छा, मकानों का लोन इसकी वजह, अच्छा, तो ये भाई फार्म में 10 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए ले रहे हैं, जैसे और लोग आ रहे हैं सबसे ले रहे हैं, सबसे 10 रुपए ले रहे हैं। ये सर महेंद्रगढ़ के अंदर कनीना के अंदर नांगल चौधरी नारनूल अटेली और महेंद्रगढ़ के अंदर चल रहा है। नहीं सर, इसमें कोई भी 1 रुपए लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है इसके अंदर। सर जी, इस बारे में मुझे कोई पता नहीं था, जैसे ये मेरे पास से फोन आया सेक्रेटरी साहब का, मैं उस टाइम अटेली में था और मैं तुरंत वहां से निकल लिया। मैंने वहां पर पब्लिक से भी पूछा लेकिन पब्लिक ने कहा जी हमारे से कोई पैसे नहीं लिए गए, जो पैसे लिए गए वो हमसे फाइल के लिए गए, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है हमारे, अगर ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अभी मैं कंपनी से इस मैटर में बात करूंगा। वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ में भी शौचालय बनाने की योजना में पार्षद पर अपने चहेतों को योजना का लाभ देने जैसे आरोप लगे हैं। शहर के 4 वार्डों में शौचालय बनाने के लिए 250 लोगों के फॉर्म भरे गए थे जिनमें से 50 लोगों के घरों में शौचालय बनने शुरू हो गए हैं लेकिन अब स्थानीय लोगों ने पार्षद पर अपने रिश्तेदारों के घर ही शौचालय बनाने के आरोप लगाए हैं। लगभग हर वार्ड में ही गड़बड़ है क्योंकि जो शहर के अंदर के जो वार्ड हैं उनमें शायद ही कोई मकान ऐसा मिलेगा जिसमें लेटरिंग ना हो। इसमें जो पार्षद हैं वो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को या चहेतों को उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनके फार्म भरवा रहे हैं। जैसे हमारे 250 के आसपास 4 नंबर वार्ड से फार्म भरवाए गए तो 450 में सिर्फ 50 का सर्वे हुआ है, तो 50 में ये 15 नाम की लिस्ट अब तक तैयार करी इन्होंने और उस 15 नाम में सारा नजर अभी हमने भी नहीं देखा है, मोटा मोटा सर्वे किया है, इसमें 6-7 नाम इसने पार्षद ने अपने रिश्तेदारों के लिख दिए। प्रदेश सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के जरिए आम लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है लेकिन सरकार के ही नुमाइंदे इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है और मिलता भी है या नहीं। महेंद्रगढ़ से प्रदीप और बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिजली चोरी करने वाले हो जाएं सावधान। निगम ने बिजली चोरी करने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। बिजली निगम प्रदेश भर में छापेमारी अभियान के चलते बिजली चोरों की धरपकड़ कर रहा है।
होटल सिरसा, अंबाला, पानीपत और सोहरा समेत कई जिलों में निगम का यह अभियान जारी है। इस कड़ी में अब तक निगम बिजली चोरों पर लाखों रुपए का जुर्माना ठोक चुका है। हाल ही में निगम ने फतेहाबाद में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें निगम ने 3 फैक्ट्रियों सहित 4 घरों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोका। निगम के एक्सीएन शमशेर सिंह ने बताया कि इस महीने अभियान के दौरान बिजली चोरों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम फतेहाबाद की तरफ से 2 दिन के स्पेशल अभियान के दौरान कुल 20 लाख की चोरी पकड़ी गई है। शुक्रवार कल दिनांक दोपहर शाम से और आज कल इसी दौरान सरसा रोड के ऊपर 23 किलो वाट की एसपी कनेक्शन की जो डायरेक्ट चोरी पकड़ी गई, जिसमें गत्ता पैकिंग और प्रिंटिंग का काम चल रहा था। 23 किलो वाट जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट चोरी कर रहा था, जिसके ऊपर 13 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही हमारी रतिया टीम की एसडीओ के अंतर्गत उन्होंने भी एक आरओ को डायरेक्ट चलते पकड़ा है, जिसके ऊपर 1,70,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। तो बिजली चोरों पर नकेल, सोहना में बिजली चोरी के 250 मामले दर्ज, 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पानीपत में 23 मामले दर्ज और 6 लाख रुपए का जुर्माना। हिसार में बिजली चोरी के 157 मामले सामने आए हैं, लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। फतेहाबाद में 3 फैक्ट्रियों सहित 4 घरों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना। होटल में बिजली चोरी के 70 मामले, 20 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं सोहना में बिजली चोरी के 250 मामले दर्ज। लगातार ये तमाम मामले हैं जहां पर बिजली विभाग ने नकेल कसनी शुरू की है। उधर गुरुग्राम के भोंडसी जेल हर बार की तरह एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां पहले की तरह फिर मोबाइलों की भारी जखीरा बरामद किया गया। जेल में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जेल से 19 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 2 मोबाइल चार्जर और 1 पेन ड्राइव भी बरामद की है। जेल में पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जेल में मोबाइल मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, जेल प्रशासन के रिक्वेस्ट पे जेल प्रशासन के साथ मिलकर गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच ने यहाँ पे एक तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें तलाशी के दौरान हमें अभी तक की तलाशी के दौरान 19 मोबाइल फ़ोन, 10 सिम कार्ड और 2 चार्जर और 1 पेन ड्राइव मिल चुकी है। अभी तक तलाशी अभियान जारी है, टीम अभी तक अंदर है, तलाशी पूरी होगी तो फिर आगे पूरी होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।